गाइस देख सकते हैं, एक और पार्सल आई है यहाँ पे हेलो बुक माइन की तरफ से। और ये मैंने ऑर्डर किया गाइस जब मुझे एक्स्ट्रा 10% की डिस्काउंट मिल रही थी। एक मैसेज आया जहाँ पर लिखा गया था कि ओनली फॉर यू, तब मुझे लगा कि क्यों ना किया जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्प द्वंद के साथ कुछ और भी किताब मंगाई है। चलिए फिर फटाफट इसको खोल के दिखाता हूँ। फाइनली गाइस पार्सल खुल चुकी है और ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या हो सकता है? मैरी क्रिसमस। अच्छा, तो ये किसके तरफ से आया है? क्या हेलो बुक माइन की तरफ से, या जो उन्होंने सर्विस इस बार चेंज करी उसके तरफ से? क्योंकि डिलीवरी से अब नहीं आ रही है, एंड आई थिंक इट हैज कम फ्रॉम एक्सप्रेस वेज आई बिलीव। तो अब सिलसिला शुरू होता है कॉमिक्स का, ये नागराज और पापराज। मैंने आई थिंक 7-8 कॉमिक्स मंगाए होंगे। इसकी डाइजेस्ट के फॉर्म में है मेरे पास नागराज 14, जिसमें 4 कॉमिक्स थे, पापराज, कांजा, तूतेंतु और अदृश्य हत्यारा। बट मैं इंडिविजुअल इश्यूज में मंगा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जो डाइजेस्ट है उससे मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ऐसा लगता है जैसे फट जाएगी वो, इसलिए मुझे मंगाना पड़ रहा है। ये है दहन कांड, और इसकी एक स्टोरी ये है कि ये मेरे पास कहीं पड़ी हुई है ऐसे मिंट कंडीशन में। मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, तो मुझे फिर से इसको मंगाना पड़ा। आई थिंक बाकी सारे अब मेरे पास हो चुके हैं, 2-3 थोड़े से फटे हाल में और दूसरे जगह में हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनको ऑर्डर करूँ या ना करूँ, देखा जाएगा। फिलहाल तो ये दहन कांड। और ये दोस्तों, ये फ्रेंडी वाली जो 5 इश्यूज आए थे राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता के द्वारा, तो ये भी मैंने ऑर्डर करे। थोड़ी सस्ती पड़ रही थी इस बार, क्योंकि जैसे मैंने बताया 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहे थे नॉर्मल डिस्काउंट के अलावा। ये क्या है, स्टैम्प्स। चलिए अब ये फ्रेंडी 5 फटाफट मैं जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ओ, ड्राइंग अच्छी लग रही है, किनकी ड्राइंग हो सकती है? जरा सी, ये हत्यारी राशियां के वक्त आया था। अच्छा, नरेश कुमार, ये देख सकते हैं, ये आर्टिस्ट हैं, हनीफ अजहर जी इनको लिखे हैं। अच्छी ड्राइंग है, मुझे तो अच्छा लगा देख के। ये जहर का एड यहाँ पे फ्रेंडी 4 के साथ। मैंने एक भी कॉमिक्स पढ़े नहीं यार, तो बता नहीं सकता हूँ कि कैसी है ये फ्रेंडी वगैरह की। बस सुनता था, बट इनको खरीदने का साहस नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑलरेडी पैसे कम होते थे। तो नागराज ध्रुव की जितनी हो सकती थी कॉमिक्स बटोरने के फिराक में बचपन में रहता था। और ये फ्रेंडी, फ्रेंडी 2 अच्छा लग रहा देखने, मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा ये कहानियां पढ़ने में। नागराज का अंत का एड, वाओ। और उसके बाद ये फ्रेंडी, सो फ्रेंडी 1 इसमें ऑब्वियसली नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पहली कॉमिक से ये देख सकते हैं शाकुरा का चक्रव्यूह के वक्त ये आई थी, यानी कि 1995 के आसपास हो सकता है। चलिए अंदर 2 और कॉमिक्स हैं, उनको भी दिखाता हूँ। एक तो मैंने बता ही दिया कि सर्पद्वंद है, और एक ये है जिसको मैं पलट के आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसे ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी यस बेताल चलता फिरता। ओ, ये फैंटम की कुछ कॉमिक्स मैंने पढ़ी है बचपन में, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये किरदार भी इसका जो गेटअप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था उस वक्त। ये शक्ति कॉमिक्स ने फिर से इनको रिक्रिएट करने की कोशिश किया है। अनुपम सिन्हा जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कवर का आर्ट बनाया जाए, उनके तरफ से आए तो उन्होंने अच्छी कवर बनाई है। और ये फैंटम बेताल,
थे। और दोस्तों फाइनली जिसका आप सभी को इंतजार था, धीरे से मैं निकालता हूँ। हालांकि अब कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी यू नो अपने टाइटल में लिख ही दिया हूँ ये सर्पद्वन। काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, लंबा समय नहीं कहूँ। ये देख सकते हैं, इसकी एक चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, इसको मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी यार, सेकेंड या थर्ड डे पे किसी ने यूट्यूब में अपलोड कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया तो फिर मैंने पढ़ लिया। तो ये मुझे लगता है थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए, जो भी यूट्यूब में कॉमिक्स अपलोड करते हैं एटलीस्ट एक महीना आप लोग रुक जाओ, उसके बाद लगाओ। क्योंकि ओबियसली यार आप जब लगा देते हो इतनी जल्दी कॉमिक्स तो कुछ तो रीडर्स चले ही जाते हैं, क्या ज़रूरत है उनको फिर खरीदने की। थोड़ा सा वेट कर लो 30 डेज फिर डाल दो। और ये कॉमिक्स बता दो अच्छी लगी मुझे, सर्व सत्र की तुलना में कहीं बेहतर। होपफुली एक रिव्यू बनाऊंगा इसका और क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या और चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी। खैर ये किताबें इस बार के पार्सल में थी, देख सकते हैं, फ्रेंडी का एक सेट, साथ में दहन कांड, बेताल, सर्पद्वंद एंड नागराज और पापराज। तो ये सारी थी दोस्तों, और ये बड़ी सी कुछ इसको कलर करना है हमें। तो चलिए फिलहाल इस अनबॉक्सिंग में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।